चलिए चालू करते हैं आज की भी ऑटो न्यूज नंबर सिक्सटी सिक्सटी एपिसोड हो गए वैसे बहुत सारी खबरें लाए लेकिन एक बहुत अच्छी खबर दे दू दोस्तों विच इज गुड फॉर एनवायरमेंट विच इज गुड फॉर एस विच इज गुड फॉर एवरी जी हाँ फेम टू स्कीम फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसके लिए जो स्कीम लेके आए थे फेम टू स्कीम गवर्नमेंट उसमें अब और थोड़ा चेंजेस रिविजन आ गया है और उन्होंने कहा है कि पर किलोवैट आर के लिए अब फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज और ज्यादा सब्सिडी देने वाले हैं सोचिए 15,000 मोर सब्सिडी ऑलरेडी सब्सिडी है उसके ऊपर और भी एंड उसकी वजह से दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होने वाले हैं जो भी आने वाले वेदर इट इज कार्स वेदर इट इज टू व्हीलर्स दे आर गोइंग टू गेट मच मच चीपर सभी अक्रॉस द बोर्ड इनफैक्ट अगर मैं एथर के बारे में बात करूं उन्होंने ऑलरेडी साढ़े से प्राइस नीचे लेके आ गए हैं एथर फोर की ज अग थिंग इवन कार्स में भी अब दोस्तों तीस चालीस पचास साठ हजार से प्राइजेस uh, नीचे आ जाएंगे क्योंकि पर किलो वॉट आर जो है पंद्रह हजार से आपको सब्सिडी इंक्रीज uh, मिल रही है आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग सीरियसली एंड अ गुड मूव बाई गवर्नमेंट वैसे दोस्तों ऐसे ही ऑटो की जबरदस्त खबरें जानने के लिए अपटू डेट रहने के लिए एक चीज करना है आपको बस सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं किया अब तक तो वैसे दोस्तों आपको बता दूं मैंने कुछ दो तीन महीनों पहले फॉर्च्यूनर खरीदी थी तो आज एक वीडियो किया हुआ है जहां पे मैंने बताया कि मैंने फॉर्च्यूनर क्यों खरीदी ग्लॉस्टर और दूसरी जो गाड़ियां है फुल साइज ऐसी वो क्यों नहीं किया हुआ है वीडियो जरूर जाके देखिएगा इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग वैसे दोस्तों मे का जो महीना था बहुत ही खराब था शायद इंडिया में सभी जगहों पे लॉकडाउन चल रहा था और उसकी वजह से प्रीमियम कार्स जो थे उसके सेल्स नोज डाइव हो गए लिटरली 60-70 परसेंट से कम हो गए अगर आप पिछले मे के साथ कंपेयर करते हो तो लेकिन अगर मैं रैंकिंग कहूँ तो सबसे ज़्यादा मर्सिडीज़ ने बेचे उसके बाद में बी और उसके बाद में वर्कस वेगन ऑडी ने बेचे वन व्हीकल्स बेचे और ये सिक्सटी सेवेंटी परसेंट लेस है मर्सिडीज़ ने वन बेचे हैं so, सो जी हाँ ये बी एमडब्ल्यू एंड मर्सिडीज़ की जो रेस है उसमें मर्सिडीज हमेशा आगे रहती है स्पेशली मेरे हिसाब से बिकॉज दे हैव गॉट सो मेनी डिफरेंट मॉडल्स और नए मॉडल्स और भी लॉन्च कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज बेंस एस क्लास जी हाँ फोरमेटिक में आने वाला है स्टैंडर्ड फोरमेटिक वेरियंट आने वाला है ये जो है जून सेवेंटीन को लॉन्च हो रहा है जी हाँ अगले तीन चार दिनों में लॉन्च हो जाएगा जैसे ही लॉन्च होगा ऑब्वियसली सब डिटेल देंगे लेकिन दो अलग अलग वेरियंट्स पेट्रोल एंड डीजल वेरियंट्स में आने वाला है एंड ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू कॉस्ट अ बॉम्ब आने दीजिए उसके बाद में बताएंगे लेकिन जब पहले लॉन्च करेंगे इट विल बी फुल्ली इंपोर्टेड एंड बाद में लोकली असेंबल करके फिर बेचेंगे फुल्ली इंपोर्टेड होने की वजह से थोड़ी महंगी होगी स्टार्ट में शायद बाद में लोकली असेंबल होने के बाद थोड़ी प्राइस कम हो जाए दोस्तों अगर आपके पास के टी एम के बाइक्स हैं तो के टी एम ने अनाउंस कर दिया है वर्ल्ड एडवेंचर वीक जी हाँ ये जुलाई सिक्स या जुलाई सिक्स से लेके जुलाई इलेवेन्थ तक इस वीक में ये वर्ल्ड एडवेंचर वीक होने वाला है और उन्होंने राइजर ऐप के साथ टाइप कर दिया है जहां पे कम से कम एक हजार किलोमीटर आपको बाइकिंग करनी होगी KTM के के ऊपर और राइजर ऐप पे वो सब रिकॉर्ड करना होगा और कुछ कुछ लोग उनमें से बहुत सारे गिफ्ट्स एंड प्राइजेस जीतने वाले हैं अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो अच्छी बात है अभी थोड़ा लॉकडाउन खुल गया है अगर आप एडवेंचरस टाइप हो और आपके पास के बाइक है दैट इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट वीक जुलाई सेवन जुलाई इलेवन सिक्स टू जुलाई यस राइट मारुति सैलरियों के कुछ डिटेल्स आने आ रहे हैं बेसिकली 2021 के रिवाइज्ड वर्जन जो है और उसका जो डिजाइन लीक हो गया उसके हिसाब से ऐसे लग रहा है कि अब सैलरियो जो एंगुलर डिजाइन था पहले वैसे नहीं होने वाला है मोर राउंडेड होने वाला है यह भी कहा जा रहा है कि बड़ी होने वाली है अगर आप प्रस के साथ देखते हो मतलब पुरानी सैलरी के साथ कंपेयर करते हो तो यह गाड़ी और भी ज्यादा बड़ी होने वाली है और दो अलग अलग इंजिन वेरियंट में आएगी जिसमें एक सी एन जी वेरियंट भी होने वाला है जी हाँ आजकल बजट कार्स में CNG वेरियंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। गिवन दैट पेट्रोल एंड डीजल आर रॉकेटिंग, सौ रुपए के ऊपर चले गए दोस्तों ऑटो न्यूज अच्छी लगती है लाइक करना मत भूलिए फोर्स फोर्स मोटर्स ने उनकी जो फोर्स गोरखा एसयूवी है दोस्तों इसका टीस कर दिया है सोशल मीडिया पे जी हाँ टीस कर दिया है एंड आई टेल यू व्हाट अगर आप इसके पास देखोगे तो कुछ 89 बीएचपी uh, टोटल पावर है एंड uh, 324 uh, न्यूटन मीटर टॉर्क है बट द पॉइंट इज ये 10 लाख के करीब आने वाली है अगर इसके कॉम्पिटिशन के पास आप देखोगे तो एक तो है थार महिंद्रा की थार जो पूरे साल के लिए बुकड है अवेलेबल ही नहीं है मतलब अगर आप अभी बुक करोगे थार तो अगले साल आपको मिलेगी और मारुति बहुत ही जल्दी जिमनी लॉन्च करने वाली है तो ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है जिसका फायदा अभी गुरखा को हो सकता है विच आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग जी हाँ बड़ी गाड़ी लॉन्च होने वाली है जिसके बारे में बहुत चर्चा चल चर्च रही है दोस्तों ए, अगले चार पांच दिनों में सब कुछ कंपेयर करोगे तो इसकी फ्यूअल एफिशियं जो है ज्यादा अच्छी होने वाली है अगर आप पेट्रोल देखोगे तो कुछ चौदह साढ़े डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज मैन्यूअल और ऑटोमेटिक चौदह से साढ़े किलोमीटर पर लीटर तक होने वाली है एंड जो डीजल है। उसमें दोस्तों अगर लेते हो तो कुछ 20 के ऊपर आपको एवरेज मिलने वाला है एंड का कुछ 18 के करीब है सो वेरी इंटरेस्टिंग ऑन रोड पे पर देखोगे तो दो तीन किलोमीटर कम कर दो फिर भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बिकॉज सी दिस इज़ अ बिग और याद रखिए तेरह से बीस लाख के अंदर इसकी प्राइस होने वाली है अराउंड ट्वेंटी क्रेटा के जस्ट थोड़ी ऊपर और दोस्तों अगर लग्जरी बाइक्स के बारे में बात करूं तो बी एम एस थाउजेंड आर इसका 2021 वेरिएंट लॉन्च हो गया है इंडिया में प्राइस जाती है 1799 मतलब 18 लाख के करीब प्राइस चालू होती है और गोज़ ऑल द वे मतलब तीन अलग अलग वेरिएंट्स है जिसमें 22 लाख इक्कीस लाख पचानवे हज़ार कुछ सबसे ऊपर वाले वेरियंट की प्राइजिंग है इंटरेस्टिंग वैसे ज़्यादा लोग खरीदते नहीं है मेरे हिसाब से बट हु नोज क्या लगता है आपको बी एम के बारे में और दोस्तों प्रीमियम से बजट पे आ जाते हैं जी हाँ हीरो आ, हीरो होंडा की आ, हीरो ग्लैमर ये बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है इसके फोटोज़ वगैरह लीक हो गए ये 125 सीसी की गाड़ी है और कंपीट करेगी बजाज पल्सर 125 या फिर शाइन होंडा शाइन इनके साथ ये कंपीट करने वाली है बट फोटोज़ वगैरह के हिसाब से अच्छी दिख रही है मुझे तो आने दीजिए सी सबसे ज़्यादा अगर वॉल्यूम होगा तो हंड्रेड सीसी हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सीसी के होते हैं सो लेट इट कम देखेंगे अगर हमारे पास भी आ गई तो चला के आपको जरूर बताएंगे चलिए अब ऑटो फैक्ट ऑफ द डे का वक्त होता है जी हाँ में Hyundai की हल्सन में एक फैक्ट्री है दोस्तों पता है कितनी कार्स बनती है ये सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है दुनिया में और एवरी टेन सेकेंड एवरी टेन सेकेंड एक कार आ, बाहर निकलती है सोचिए हर दस सेकेंड में एक कार दोस्तों you know इसी के साथ आज की हमारी ऑटो न्यूज खत्म होती है इधर ही जैसे मैंने पहले बताया अच्छी लगती है आपको ऑटो न्यूज तो लाइक जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब नहीं वो कर दीजिएगा ऐसी खबरें लाते रहते हैं इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो तक की